नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल कुमार। स्वागत है आपका हमारे चैनल सर्वर ज्ञान पर। मैं आज लेके आया हूँ डे सिक्स सेशन। डे फाइव सेशन में हम लोगों ने देखा था टाइप्स ऑफ नेटवर्क, और टाइप्स ऑफ नेटवर्क में हमने लैन नेटवर्क के बारे में समझा था। मैं आपको आज लैन नेटवर्क का इम्प्लीमेंटेशन समझा देता हूँ ब्रीफली, कि लैन नेटवर्क कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके बाद हम लोग कैंपस एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले देखते हैं कि लैन नेटवर्क का जो हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, इम्प्लीमेंट किस तरह से करते हैं एक लैन नेटवर्क को। दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक बिल्डिंग बनाया हुआ, ये बिल्डिंग है हमारी। इस बिल्डिंग के अंदर हमारे तीन फ्लोर हैं, फ्लोर वन, फ्लोर टू एंड फ्लोर थ्री। थ्री फ्लोर की हमारी ये बिल्डिंग है। इसमें हमने क्या किया कि एक इंटरनेट कनेक्शन लिया हुआ है, यहाँ पे हमने एक राउटर लगाया हुआ है, ये राउटर है हमारा, और आईएसपी से हमने एक इंटरनेट कनेक्शन ले रखा है, राउटर से कनेक्ट किया हुआ है। राउटर के बाद हमने यहाँ पे एक फायरवॉल लगा रखा है सिक्योरिटी पर्पस से। फायरवॉल हमने सिक्योरिटी पर्पस से लगा रखा है कि हमारे जो लैन नेटवर्क है, लैन नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए हमने एक यहाँ पे फायरवॉल लगा रखा है। ये राउटर है हमारा जो हमारे इंटरनेट से कनेक्ट कर रहा है हमें, और इधर लैन से भी कनेक्ट कर रहा है। यहाँ पे एक स्विच है हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन स्विच का काम कर रहा है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन स्विच है। फ्लोर वन पे मैंने एक यहाँ पे स्विच लगा रखा है, ये लैन स्विच है, ये यहाँ पे एक लैन स्विच हमारा लगा हुआ है, इसको हम लैन स्विच बोल सकते हैं। लैन स्विच हमारे यहाँ पे लगा है। फ्लोर टू पे हमारा एक लैन स्विच लगा है, और फ्लोर थ्री पे भी हमारा एक लैन स्विच लगा हुआ है। हमने क्या किया कि इस डिस्ट्रीब्यूशन स्विच से हमने मल्टीपल बिल्डिंग्स के अंदर जितने हमारे फ्लोर हैं, फ्लोर वन, फ्लोर टू, फ्लोर थ्री, हमने वहां पे स्विचेस लगा रखे हैं। फ्लोर वन पे सपोज दैट हमारे पास 30 यूजर की सिटिंग है, 50 यूजर की सिटिंग है, तो सिटिंग के अकॉर्डिंग हम स्विचेस लगाएंगे। हमारे पास 24 पोर्ट का स्विच होगा, तो हम इनको इथरनेट लैन स्विच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इथरनेट लैन स्विच, इथरनेट लैन स्विच हम इनको बोलते हैं। हमने यहाँ पे इथरनेट लैन स्विच लगा रखे हैं फ्लोर पे, 24 पोर्ट का सिस्को का जो सिस्को के स्विचेस आते हैं हमारे, सिस्को के कैटी स्विच आते हैं, तो हमने वो स्विचेस हमारे लगा रखे हैं लैन। यहाँ पे हमारे कैटलिस्ट का स्विच है सिस्को का, ये भी कैटलिस्ट स्विच लगा रखा है, लगा के 24 पोर्ट का एक स्विच होता है। तो उससे हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने डिवाइसेस कनेक्ट किया, सपोज दैट यहाँ पे सर्वर लगा रखा है, पीसी कनेक्ट किया हुआ है, और इस स्विच के द्वारा हमें अगर वायरलेस डिवाइसेस कनेक्ट करनी है, जैसे कि हमारे मोबाइल्स होते हैं वायरलेस डिवाइस, हमारे पास वायरलेस प्रिंटर्स भी होते हैं, हमारे पास वायरलेस लैपटॉप हम वायरलेस के थ्रू कनेक्ट करते हैं, तो वायर्ड नेटवर्क के साथ साथ हम लोग वायरलेस नेटवर्क पे भी काम करते हैं। तो वायरलेस नेटवर्क के लिए हमने यहाँ पे वायरलेस एक्सेस पॉइंट कनेक्ट किया हुआ है, जो भी हमारा लैन स्विच होगा उस लैन स्विच के साथ में, और उससे हम वायरलेस नेटवर्क भी कनेक्ट कर रहे हैं। फ्लोर के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कनेक्शन बना रखे हैं। तो लैन नेटवर्क को हम इस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं। हमने क्या किया कि एक डिस्ट्रीब्यूशन स्विच लगाया, फायरवॉल से कनेक्ट किया, और उससे फ्लोर के अकॉर्डिंग, फ्लोर वन पे हमने एक स्विच कनेक्ट कर दिया, उससे मैंने वायरलेस एक्सेस पॉइंट कनेक्ट कर लिए, वायरलेस एक्सेस पॉइंट से वायरलेस डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं, और यहाँ पे जो हमारा स्विच है, जो इथरनेट का लैन स्विच लगा रखा है, जो मैं अभी बता रहा था कि हमने सिस्को का कैटलिस्ट का स्विच लगा रखा है, उससे हमने लैन डिवाइसेस जो होती है हमारी, जैसे हमारे पीसी हो गए, हमारे लैन प्रिंटर हो गए, या हमारे आ, आ, सर्वर हो गए, और भी हमारी जो भी लैन डिवाइसेस होती हैं, जो एंड डिवाइसेस होती है, जहां पे यूजर एंड पे जो कनेक्शन करते हैं, हम स्विच के द्वारा इनको कनेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह से हमने फ्लोर दूसरे फ्लोर पे भी इसे को कनेक्शन किया हुआ है, तो ये स्विच हमने डिस्ट्रीब्यूशन स्विच से कनेक्ट कर रखी है, मल्टीपल स्विचेस, और इसमें हमने वायरलेस एक्सेस पॉइंट पे यूज कर रहे हैं। तो फ्लोर के अकॉर्डिंग हम इस तरह का नेटवर्क डिजाइन करते हैं, और इस तरह से हम नेटवर्क को यूज कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमने स्विचेस को आईपी दे रखे होते हैं, मल्टीपल आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड करा रखे होते हैं, इधर हमारा पूरा आईपी से चल रहा होता है, ये पब्लिक नेटवर्क है, इधर हम पब्लिक नेटवर्क से कनेक्शन कर रहे हैं, ये हमारा प्राइवेट नेटवर्क हो गया, जिसको हमने लैन नेटवर्क बना रखा है। इस तरह से हम लैन नेटवर्क को यूज करते हैं एक अपने बिल्डिंग के अंदर, हमारा जो बिल्डिंग होगा फ्लोर के अकॉर्डिंग। तो डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ यूजर्स हमारे सिटिंग है। 50 यूजर हैं तो दो इथरनेट स्विचेस लगाएंगे, हमारे पास में उससे ज्यादा यूजर हैं तो उतने ही हम स्विचेस कनेक्ट कर लेंगे, और स्विच स्विच टू स्विच कनेक्ट करते हुए चले जाते हैं।
अब यहाँ पे हमारे पास जो रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है, जैसे कि हमने बोला कि इथरनेट लैन स्विच की हमारे पास रिक्वायरमेंट थी, हमने एक फायरवॉल लगा दिया है, एक राउटर कनेक्ट कर दिया है और एक बिल्डिंग के नेटवर्क के लिए, और हमें क्या होता है हमारे पास IEEE 802.11 यानी कि वायरलेस नेटवर्क के लिए हमने यूज कर लिया, इसको हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। और IEEE का स्टैंडर्ड 802.3 ये वायर नेटवर्क के लिए यूज कर रहे हैं स्टैंडर्ड। तो इसमें हमारी जो वायर यूज हो रही होती है वो वायर कौन सी होती है, इथरनेट केबल बोल देते हैं हम। क्या बोल देते हैं इनको, इथरनेट केबल्स हम बोल देते हैं। और इथरनेट केबल्स में कौन सी केबल्स आती हैं, जैसे कि कैटेगरी है, अभी हमारे पास इस समय जो चल रही है वो Cat6 केबल हम यूज करते हैं, Category 6 केबल यूज करते हैं। Category 6 केबल हमारी लैन नेटवर्क के लिए यूज की जाती है। इसमें भी हमारी अलग अलग केबल्स के टाइप होते हैं, जैसे कि स्ट्रेट केबल होती है और एक क्रॉसओवर केबल होती है, क्रॉसओवर केबल। अभी क्या है कि पहले हम क्रॉसओवर केबल यूज करते थे स्विच टू स्विच कनेक्ट करने के लिए, यानी कि सेम डिवाइस हमको कनेक्ट करना होता था तो हम क्रॉसओवर केबल का यूज करते थे। अभी के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो स्विचेस आते हैं सिस्को के, जो कैटलिस्ट के स्विचेस आते हैं या कोई भी कंपनी के स्विचेस आते हैं, अभी हमें जरूरत नहीं पड़ती, हम स्ट्रेट केबल के थ्रू भी कनेक्शन कर सकते हैं और उससे हम कनेक्ट करके स्विचेस को आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करा सकते हैं आईपी देने के बाद। और यहाँ पे हमारे क्या होता है, पीसी को हमने एक आईपी दे रखा है, सर्वर को आईपी दे रखा है, वायरलेस एक्सेस पॉइंट को भी हम एक आईपी देंगे, और यहाँ से हमारे जो वायरलेस डिवाइसेस कनेक्ट होंगे उनको भी हमें हमें आईपी एड्रेस प्रोवाइड कराएंगे। तो सर्वर मैंने यहाँ पे लगा दिया, सर्वर को सपोज दैट मैंने यहाँ पे सर्वर को DHCP सर्वर बना दिया, या कोई भी हम जिस तरह सर्वर यूज करते हैं अपने कंपनी के लिए तो हम उस तरह से यूज कर सकते हैं। और हमारे फ्लोर वाइज इस तरह से यूजर की सेटिंग्स होती है। जैसे मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि हमारे पास डिपार्टमेंट होते हैं अलग अलग, जैसे मैंने बोला IT, सेल्स, मार्केटिंग या एडमिन डिपार्टमेंट के लोग बैठते हैं, तो उस तरह से हम उनको कनेक्ट कर सकते हैं, उसके हिसाब से हम यहाँ पे कॉन्फिगरेशन कर सकते हैं। स्विचेस लगा रखे हैं, VLAN का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, VLAN कॉन्फिगर करेंगे, और VLAN के कॉन्फिगर करने के बाद हम उसको अलग अलग सेग्रीगेट कर लेंगे, अलग अलग डिवाइड कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसको एक नेटवर्क को बनाते हैं। इसमें Cat6 केबल हमने लगाई, स्ट्रेट केबल जो हमारी केबल मीडिया काम करता है वो IEEE 802.3 के स्टैंडर्ड पे काम करता है, वायर का जो नेटवर्क होगा, और जो हमारा वायरलेस नेटवर्क काम करता है वो IEEE 802.11 स्टैंडर्ड पे काम करता है। ये एक प्रोटोकॉल है जो हमारा फिजिकल लेयर पे काम कर रहा होता है, ये एक प्रोटोकॉल है। इस तरह से हम कनेक्ट करते हैं। इसी में हमारे क्या होता है, जैसे अब हम केबल यूज करते हैं स्ट्रेट केबल या क्रॉसओवर केबल, Cat6 Category 6 की केबल होगी, तो उसके ऊपर हमारा डिपेंड करता है कि ये केबल जो लगाते हैं उसमें कितनी बैंडविड्थ होगी। तो Cat6 केबल जो होती है हमारी, Cat6 केबल की जो बैंडविड्थ होती है वो हमारा 10 Gbps तक सपोर्ट कर लेती है, 10 Gbps तक का डेटा वो सपोर्ट कर लेती है, 10 Gbps तक का डेटा को वो लेके चली जाती है। तो ये Cat6 की केबल होगी। उसमें हमारे कनेक्टर लगते हैं, तो कनेक्टर यहाँ पे RJ45 हम कनेक्टर यूज करते हैं एक केबल को बनाने के लिए, केबल को कनेक्ट करने के लिए RJ45, RJ रजिस्टर्ड जैक बोलते हैं इसको, तो रजिस्टर्ड जैक हम 45 नंबर का यूज करते हैं। तो इस तरह से हम लैन का नेटवर्क एक इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बना सकते हैं, इजिली समझ में आ गया होगा, इसमें इतनी बड़ी चीज नहीं है। हमने फ्लोर वाइज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एक डिस्ट्रीब्यूट स्विच लगा दिया है। और इस स्विच में भी हम क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दो वायर कनेक्ट की हुई है, तो मैं इस तरह से इसको इथर चैनल बना सकता हूँ, ये इथर चैनल हम इथर चैनल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, या मैं सिंगल कभी भी एक केबल जो यूज करूंगा इसको हम बैकबोन केबल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हम बैकबोन केबल बोलते हैं, बैकबोन केबल। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस से जो भी फ्लोर वाइज कनेक्शन होता है ये बैकबोन केबल के थ्रू होता है, तो हम सिंगल केबल कनेक्ट नहीं करते, हम बैकबोन केबल क्या करते हैं, मल्टीपल बैकबोन केबल कनेक्ट करेंगे, 2 से 3 करेंगे कनेक्ट। सपोज दैट ये केबल हमारी, अगर सपोज दैट ये केबल हमारी डिसकनेक्ट हो जाती है, यहाँ से हमारी ये केबल इस किसी किसी कारण से कट जाती है, तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन रहता है कि हमारे सेकंड केबल से कनेक्शन बना रहेगा। तो ये हम लोग इस तरह से यूज करते हैं। तो मल्टीपल केबल्स हम कनेक्ट कर सकते हैं, इथर चैनल बना सकते हैं, जैसे मैंने दो केबल कनेक्ट की तो इसका इथर चैनल ग्रुप बना दिया। होता क्या है कि जो इथरनेट स्विच है, इथरनेट स्विच हमारा एक पोर्ट सपोर्ट कर रहा है 100 Mbps स्पीड को, तो मैंने क्या किया, मुझे चाहिए 200 Mbps। अब जब 200 Mbps मुझे स्पीड चाहिए तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमें इथर चैनल यूज कर लेते हैं। इथर चैनल क्या करेगा, दो वायर दो पोर्ट को टू पोर्ट यूज करते हुए उसको हमने एक बंडल बना लेते हैं दो पोर्ट का, और एक इथर चैनल क्रिएट कर लेते हैं, एक चैनल ग्रुप बना लेते हैं। तो ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस भी करेंगे, इथर चैनल के बारे में भी देखेंगे, VLAN का कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, और ये कैसे कॉन्फिगर किया जाएगा सारा सेटअप, ये कॉन्फिगरेशन भी हम देखेंगे, राउटर पे क्या कॉन्फिगरेशन की जाएगी। यहाँ पे हमने राउटिंग यूज कर रखी है, राउटर पे राउटिंग यूज कर रखी है, क्योंकि आउटसाइड के नेटवर्क को इनसाइड नेटवर्क किस तरह से हम कॉन्फिगर करेंगे
या इनसाइड से हम आउटसाइड कैसे जाएंगे, तो उसके लिए हम राउटिंग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। यहाँ पे हमने फायरवॉल लगा रखा है, फायरवॉल पे हमने पॉलिसीज लगा रखी है, तो कोई भी आउटसाइड का जो ट्रैफिक लेके आएगा को इनसाइड के लिए क्या परमिशन है, या इनसाइड से जो इन्फॉर्मेशन हमारी जा रही है, जो यूजर भी इनसाइड से आउटसाइड जाना चाह रहा है उसको क्या परमिशन देनी है, तो उसके लिए हम फायरवॉल यूज कर रहे हैं। स्विचेस का हमारा हो गया कि मल्टीपल स्विचेस है हमारे, ये डिस्ट्रीब्यूशन स्विच लगा दिया और मैंने इस तरह से कनेक्शन किया, इससे हमारे एंड डिवाइसेस कनेक्टेड है। यहाँ पे हमने वायरलेस एक्सेस पॉइंट लगा रखा है वायरलेस डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, तो इस तरह का हम लैंड नेटवर्क बना सकते हैं जिसको हम लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। मैंने आपको लैंड नेटवर्क के बारे में पिछले सेशन में समझाया था, और इस सेशन में मैंने आपको ये बताया कि किस तरह से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, थोड़ा इस तरह से हम इसको इम्प्लीमेंटेशन में ले सकते हैं। इसके बाद हम देखो आगे देखते हैं, हम आगे समझते हैं कि लैंड नेटवर्क के बाद में हमारा आता है कैंपस एरिया नेटवर्क, यानी कि कैन नेटवर्क। अब कैन नेटवर्क किस तरह से काम करेगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि लैंड नेटवर्क में हम कॉन्फ़िगरेशन का जो होगा हमारा, जो इंस्टॉलेशन का होगा, हम इंस्टॉलेशन इस तरह से बना सकते हैं, इंप्लीमेंट इस तरह कर सकते हैं, लेकिन क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी लैंड नेटवर्क के अकॉर्डिंग देखा जाए कि हमें क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है, तो वो सारी चीजें हम देखते हैं। लेकिन इससे पहले कैंपस एरिया नेटवर्क कैसे होगा, क्या होता है कैंपस एरिया नेटवर्क, कैन नेटवर्क जो होगा, कैन कैंपस एरिया नेटवर्क, तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था एक कंपनी का, जिस कंपनी का नाम मैंने आपको xyz.com कुछ कंपनी बताया था, ये एक कंपनी है xyz.com, और वहां पे मैंने एक लैंड नेटवर्क बनाया था। तो लैंड नेटवर्क का मतलब होता है कि एक बिल्डिंग का नेटवर्क, जैसा कि मैं अभी दिखा रहा था एक बिल्डिंग का नेटवर्क हमारा, ये लैंड नेटवर्क होता है, इसको मैं लैंड का नेटवर्क बोल सकता हूँ। एक लोकल एरिया नेटवर्क इंटरनेट से कनेक्ट कर रखा है, इंटरप्राइज नेटवर्क से हमने कम्युनिकेट करा रखा है, राउटर लगा रखे हैं, फाइबर लगा रखे हैं, इस तरह से यूज करते हैं। बट हमारे पास जो xyz.company है, इसके पास मल्टीपल बिल्डिंग्स हैं, वही डिपार्टमेंट है, मल्टीपल लैन हो गए, यूजर की स्ट्रेंथ बढ़ गई है, जो हमारे यूजर हैं, यूजर की स्ट्रेंथ बढ़ गई है, तो जब यूजर की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो बिल्डिंग्स बढ़ेंगे, तो तीन फ्लोर की बिल्डिंग है, ये भी तीन फ्लोर की, ये भी तीन फ्लोर की, मैं भी समझा रहा था, तो इस तरह से हमारी मल्टीपल बिल्डिंग्स हो गई। अब जब हमने मल्टीपल बिल्डिंग बना ली तो ये कैंपस बन गया, तो इसको हम क्या बोल देंगे, कैन का नेटवर्क बोल देंगे, कैंपस एरिया नेटवर्क बोल सकते हैं। एक कैंपस के अंदर का जो नेटवर्क हम यूज कर रहे होते हैं वो कैंपस एरिया नेटवर्क होता है, और उस कैंपस एरिया नेटवर्क के अंदर क्या होगा, लैंड नेटवर्क जैसा कि मैं अभी बता रहा था उसी तरह से इंप्लीमेंट किया जाएगा, तीन फ्लोर का जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, इसी तरह से हमारी तीन तीन फ्लोर के अलग अलग बिल्डिंग्स हैं और उसमें हमने कैंपस का पूरा नेटवर्क इंप्लीमेंट किया हुआ है। ठीक है, अब उसमें हमारा क्या होता है कि हमें इंटरनेट यूज करना है, तो डिपेंड करता है कि जो इस बिल्डिंग का नेटवर्क है, सपोज दैट ये लैंड नेटवर्क है, इस लैंड नेटवर्क को हमें अगर इंटरनेट से अलग से कनेक्ट करना है, इसको हमें इंटरनेट अलग से कनेक्शन देना है, इसको इंटरनेट अलग से कनेक्शन देना है, हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या होगा, हमें मल्टीपल राउटर्स चाहिए होंगे और सिक्योर करने के लिए मल्टीपल फायरवॉल्स चाहिए होंगे, तो हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि मल्टीपल राउटर्स मल्टीपल फायरवॉल्स लगाएंगे तो कंपनी की कॉस्ट इफेक्टेड हो जाएगा। उससे बचने के लिए क्या करते हैं, उससे बचने के लिए हम सीधा कर सकते हैं कि किसी एक बिल्डिंग को हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इंटरनेट का कनेक्शन ले रखा है, यही से हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं, यहीं पे हमने एक राउटर लगा रखा है, फायरवॉल लगा रखे हैं, और इधर से हमारा पूरा कम्युनिकेशन चल रहा है, ये जो हमारे कनेक्शन बन रहे हैं इस तरह से, ये डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस के थ्रू हमारे कनेक्शन हो जाएंगे। जिस तरह फ्लोर वाइज हमने स्विच से स्विच कनेक्ट किए थे, उसी तरह से हम बिल्डिंग वाइज स्विच से स्विच कनेक्शन करके यूज कर सकते हैं, तो इसको हम कैंपस एरिया नेटवर्क बोलते हैं, एक कैंपस के अंदर जो नेटवर्क यूज किया जाता है। कैंपस एरिया नेटवर्क के बाद हमारा आगे नेक्स्ट आता है, सपोज यही कंपनी है xyz.com हमारी एक कंपनी है, कंपनी की स्ट्रेंथ बढ़ी, कंपनी ने क्या किया, धीरे धीरे एक सिटी से दूसरे सिटी की तरफ अपने आप को इंप्लीमेंट करना शुरू किया, बढ़ाना शुरू कर दिया। तो कंपनी जो हमारी xyz.com एक पर्टिकुलर सिटी के अंदर काम कर रही थी, दिल्ली के अंदर सपोज दिल्ली के अंदर काम कर रही थी, वही कंपनी हमारी बेंगलोर मुंबई और फर्दर जो भी हमारे मेट्रो सिटी है उन सिटी के अंदर कंपनी ने अपना नेटवर्क बढ़ाना शुरू कर दिया। तो कंपनी अपना नेटवर्क बढ़ाएगी तो उसके लिए उसको क्या होगा, एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा। यहाँ पे मेरा एक कैंपस था जो दिल्ली का कैंपस था, उसमें हमारे मल्टीपल लैन थे, ये लैन थे हमारे, एक लैन दूसरा लैन और ये तीसरा लैन, और इसी में हमारा एक कैंपस का नेटवर्क बन रहा था, कैंपस एरिया नेटवर्क। उसी तरह से हमारा दूसरा नेटवर्क बना यहाँ पे जो मुंबई के अंदर चला गया, मुंबई के अंदर उसने अपना नेटवर्क बनाया, कंपनी ने मुंबई के अंदर अपना ऑफिस डाला और उसने एक कैंपस उसका मुंबई में है, इसमें भी इसके मल्टीपल लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क, और इस तरह से उसने कैंपस बना दिया। इसी तरह से बेंगलोर के अंदर भी इस कंपनी का अपना एक नेटवर्क है।
अब आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे तीन अलग अलग कैंपस बना दिए हैं अलग अलग सिटी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमारा एक कैंपस, दो कैंपस, तीन कैंपस, ये मुंबई, सपोज ये दिल्ली हो गया हमारा, ये दिल्ली का नेटवर्क हो गया, ये मुंबई का नेटवर्क हो गया। कंपनी कौन है? कंपनी हमारी xyz.com है, और ये हमारा बेंगलोर हो गया। अलग अलग कंपनी है, अलग अलग कंपनी xyz.com है, हमारे अलग अलग नेटवर्क बन गए। अब इन नेटवर्क को कैसे कम्युनिकेट करा जाए? ये नेटवर्क मल्टीपल कैंपस को, मल्टीपल सिटी को हम आपस में जब कम्युनिकेट कराते हैं, मल्टीपल सिटी के नेटवर्क को हम आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कराते हैं, तो उसको हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैं इसको इरेज कर देता हूं, कैंपस एरिया नेटवर्क लिखा हुआ था, यहां पे हम लिख देते हैं मैन। अभी ये किस तरह का नेटवर्क हो गया? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मल्टीपल सिटी का जो नेटवर्क होगा, मल्टीपल सिटी के नेटवर्क को जो हम आपस में कनेक्ट करते हैं या मल्टीपल कैंपस को आपस में कम्युनिकेट कराते हैं, उसको हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलते हैं। अब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए मैं सीधा यहां से इस तरह से कनेक्शन नहीं कर सकता जैसे मैंने बिल्डिंग से बिल्डिंग को कनेक्ट किया था। क्यों? क्योंकि यहां पर तो हमारा क्या था कि डिस्टेंस नहीं था, बिल्डिंग से बिल्डिंग का एक कैंपस का जो डिस्टेंस था, उस डिस्टेंस में हम आपस में वायरिंग कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस लगा के हम कनेक्शन बना सकते हैं। लेकिन जिस तरह से हमारा सिटी की बात आती है, हमारे दिल्ली से बेंगलोर कनेक्शन करना है या दिल्ली से हमारा मुंबई कनेक्शन करना है, मुंबई से दिल्ली को कनेक्ट करना है, मुंबई से बेंगलोर कनेक्शन करना है, उन सबको कम्युनिकेट कराने के लिए हमारा जरूरत होती है कि हमें हेल्प लेनी पड़ती है किससे? आईएसपी से, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू हम इसको कम्युनिकेट कराते हैं। तो आईएसपी से हम किससे से कम्युनिकेट कराएंगे? तो आईएसपी हमें क्या करेगा? आईएसपी हमें लैन प्रोवाइड कराएगा, आईएसपी हमें कनेक्शन प्रोवाइड कराएगा, और हम आपस में कम्युनिकेट कराएगा हमारे सारे कैंपस को। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैसे हमारा एयरटेल हो गया, रिलायंस जियो हो गया, वोडाफोन आइडिया, या आपका जो भी हमारे जितने भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, मल्टीपल मार्केट में सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, उन सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू हमने क्या ले रखा है? इंटरनेट कनेक्शन लिया हुआ है। अब इंटरनेट कनेक्शन भी मल्टीपल इंटरनेट कनेक्शन होते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी की कितनी कॉस्ट है, कितनी कॉस्ट लगा सकते हैं। एक तो हमने क्या किया कि यहाँ पे ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले सकते हैं। अब ब्रॉडबैंड कनेक्शन से क्या होगा? ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले लिया हमने, तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन एक स्मॉल साइज का अगर हमारा ऑफिस है, एक नेटवर्क है तो कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं, तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन उतना रिलायबल नहीं होता, कि एक xyz.company के लिए इतना रिलायबल नहीं है कि ये एक कैंपस से, एक कैंपस से दूसरे कैंपस को कम्युनिकेट करा सके, वो रिलायबल नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि लीज लाइन ले सकते हैं। लीज लाइन एक ऑप्शन होता है, लीज लाइन के थ्रू हमने कम्युनिकेट करा दिया, लीज लाइन ले ली। तीसरा हमारे पास, लीज लाइन के बाद भी हमारे पास ऑप्शन होता है कि सपोज आपने यहाँ पे एमपीएलएस लाइन ले ली, एमपीएलएस लाइन का भी एक ऑप्शन होता है। तो मल्टीपल ऑप्शन हमारे पास होते हैं, हम जब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से बात करते हैं तो उसके बाद हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन वो प्रोवाइड कराते हैं। हमें क्या करना होता है? कम्युनिकेशन कराना होता है, कनेक्शन करना होता है। तो यहाँ पे इसने एक लीज लाइन ले रखी है, एक लीज लाइन इधर ले रखी है, एक लीज लाइन इधर ली हुई है, और हमारे ये लैन मल्टीपल लैन है, एक कैंपस बना हुआ है, इधर भी एक कैंपस है, इधर भी एक कैंपस है, और इनको आपस में कम्युनिकेट करा रखा है किसके थ्रू? आईएसपी के थ्रू। और आईएसपी ने कौन सी लाइन दे रखी है? लीज लाइन दे रखी है। सपोज दैट यहाँ भी लीज लाइन है, यहाँ भी लीज लाइन है, और यहाँ भी लीज लाइन है। ये जरूरी नहीं कि आईएसपी एक ही होगा, हो सकता है कि हमने दिल्ली के अंदर भारतीय एयरटेल से ले रखा है कनेक्शन, और यहाँ पे मुंबई में हमने रिलायंस जियो से ले रखा है, बैंगलोर के अंदर टाटा से ले रखा है। तो डिपेंड करता है कि हम कहाँ पे कौन सा कनेक्शन ले रहे हैं। इधर आ जो आपका ये नेटवर्क होगा, ये पूरा वैन नेटवर्क होता है, वो सब आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, कनेक्शन बना रखा होता है। जब इस तरह की सिचुएशन बनेगी, हम इस तरह का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यूज करेंगे, तो उसमें हमारे मल्टीपल चीजें आ जाएंगी। कैसे? कि हमारे मल्टीपल यहाँ पे राउटर्स हो गए, यहाँ भी एक राउटर है हमारा, यहाँ भी राउटर है, यहाँ राउटर है, इसमें भी एक आईएसपी राउटर होगा, हमारा एक आईएसपी का राउटर होगा, एक हमारा कस्टमर एज राउटर, जो हमारे राउटर्स होंगे, जो कंपनी के राउटर होंगे वो राउटर्स होंगे, फिर फायरवॉल लगे होंगे। इधर भी हमारा क्या होगा कि एक आईएसपी का राउटर होगा, एक कस्टमर एज राउटर होगा, और हमारे फायरवॉल्स लगा रखे होंगे। इस पे भी हमने यहाँ पे भी इसी तरह से कनेक्शन बना रखा होगा। अब मल्टीपल राउटर्स हो गए तो राउटिंग की कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, हम इसमें राउटिंग का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तब हम मेट्रोपॉलिटन का नेटवर्क बनाएंगे, तो उसमें राउटिंग का कॉन्सेप्ट यूज करना शुरू कर देंगे।
अब हमारा राउटिंग का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, वीएलएन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, फिर हमें सिक्योर कम्युनिकेट कराना होगा एक दूसरे से। सपोज इस बिल्डिंग के अंदर कोई एक यूजर बैठा है और यहाँ पे भी एक यूजर है, अब ये यूजर इस यूजर से कम्युनिकेट करना चाह रहा है, ये यूजर आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, ये सपोज दैट सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है। ये सोर्स यूजर इस डेस्टिनेशन को कुछ इन्फॉर्मेशन सेंड करना चाह रहा है, इसने इन्फॉर्मेशन सेंड की है, तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन जा रही है वो एक पब्लिक नेटवर्क के थ्रू होते हुए जा रही है। हमने यहाँ पे लीज लाइन ले रखी है, तो लीज लाइन से हमारी इन्फॉर्मेशन एक पब्लिक नेटवर्क के थ्रू होते हुए यहाँ पे जा रही है, तो सिक्योर नहीं है, अनसिक्योर फॉर्म में हमारी इन्फॉर्मेशन सेंड हो रही है। तो इसमें खतरा रहता है कि कोई भी हैकर हमारी इन्फॉर्मेशन को, जो मिडलवेयर अटैक करते हैं लोग, वो हमारी इन्फॉर्मेशन को चुरा सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को हमारे ले सकते हैं। तो इससे बचने के लिए हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं जिसको हम वीपीएन बोलते हैं, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क हो जाएगा। तो हमने वीपीएन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज कर रखा होगा कि हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे इस साइड से इस साइड को कनेक्ट कर रखा है वीपीएन के थ्रू, इस साइड से इस साइड को कनेक्ट कर रखा है वीपीएन के थ्रू, उन सबको आपस में दूसरे को वीपीएन के थ्रू हमने कनेक्ट कर रखा होगा, ताकि हमारी इन्फॉर्मेशन जो भी जाए वो सिक्योर फॉर्म में जाए। तो हम वीपीएन का नेटवर्क यूज कर लेते हैं, इसको मेट्रोपोलिटन एरिया का नेटवर्क बोलते हैं, मैन का नेटवर्क बोलते हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं मैन नेटवर्क के बाद, इस तरह का नेटवर्क हमारा मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क होगा, xyz.com कंपनी का नेटवर्क, ठीक है। अब इसी में हमारा एक चीज होती है कि अगर मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क में हम अपने कंपनी की ही बात कर रहे हैं, कि अदर कंपनी की बात नहीं कर सकते, हाँ अगर xyz.com कंपनी की कोई पैरेंटेड कंपनी है, थर्ड पार्टी कंपनी है, या उस कंपनी का कोई क्लाइंट है, कस्टमर है, उनके साथ में वो कम्युनिकेट करके काम करते हैं, उनके साथ मिलकर काम करते हैं, किसी कंपनी के साथ में मिलकर काम करती है कंपनी, थर्ड पार्टी कंपनी के साथ xyz.com कंपनी, तो उस कंपनी के लिए भी हमें इसी तरह का नेटवर्क बनाना होगा, और वहां पे भी हमें वीपीएन की रिक्वायरमेंट होगी, फायरवॉल्स की रिक्वायरमेंट होगी, और कॉन्फ़िगरेशन हम उसमें राउटिंग प्रोटोकॉल वगैरह कॉन्फ़िगर करेंगे, ये सारी चीजें हम कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आगे का जो ऑप्शन है वो आता है क्या, वो हम डिस्कस करते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होगा, वैन नेटवर्क। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वैन नेटवर्क क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क का एक सिंपल सा मैं एग्जांपल बताता हूँ, वाइड एरिया नेटवर्क हमारा इंटरनेट हो सकता है, वाइड एरिया नेटवर्क जियोग्राफिकली नेटवर्क जिसको हम बोलेंगे, जियोग्राफिकली कम्युनिकेशन जो हमारा नेटवर्क पे होता है वो वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर होता है। तो वाइड एरिया नेटवर्क में एक स्पेसिफिक कोई कंपनी नहीं है, xyz.com एक कंपनी नहीं है, सपोज ये मल्टीपल कंपनी है, xyz.com ये कंपनी हो गई, यहाँ पे इसका अपना ऑटोनोमस सिस्टम नंबर है, AS नंबर बोलते हैं, इसका AS नंबर अपना सिस्टम है, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर है। एक हमारी कंपनी यहाँ पे है abc.com, सपोज दैट इसका अपना ऑटोनोमस सिस्टम नंबर है, कंपनी एक यहाँ पर है 123.com, जो भी कंपनी हमने नाम दे दिया। तो इस तरह से मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के मल्टीपल ऑटोनोमस सिस्टम नंबर हैं, और ये कंपनी आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रही है, एक दूसरे से बातें कर रही, कम्युनिकेट कर रही है। तो ये सारा कुछ जो हमारा कम्युनिकेशन होता है, जो जियोग्राफिकली एरिया नेटवर्क पे होता है, तो हम पूरा जियोग्राफिकली एरिया नेटवर्क पे काम कर रहे होते हैं, उसको हम बोल देते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क में क्या होगा कि हम कंट्री टू कंट्री कम्युनिकेट करते हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कम्युनिकेशन करते हैं, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन का कम्युनिकेशन होता है, इंटरप्राइज नेटवर्क कम्युनिकेशन होते हैं, तो इसको हम वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं, जो जियोग्राफिकली होता है। तो इसका एग्जाम्पल मैं बताया रहा था, सिंपल सा एग्जाम्पल इसका हम लोग समझ सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर ये इंटर, आप इसको इंटरनेट बोल सकते हैं, इंटरनेट जो होता है वो वाइड एरिया नेटवर्क पे काम करता है, तो वाइड एरिया नेटवर्क हम इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, लैन के बाद हमारा आता है नेट, वाइड एरिया नेटवर्क के बाद हम देखते हैं वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट हमारा नेटवर्क होता है। वीपीएन का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जैसे मैं अभी दिखा रहा था आपको कि वीपीएन हमारा क्यों रिक्वायर है, वीपीएन की रिक्वायरमेंट होती है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो वीपीएन हम इसलिए यूज करते हैं कि हमारा जो कम्युनिकेशन जब होता है, तो कोई भी कम्युनिकेशन एक ऑफिस, एक ऑफिस से दूसरा ऑफिस कम्युनिकेशन, सपोज दैट मेरा ये एक दिल्ली में ऑफिस है और ये मेरा मुंबई में ऑफिस है, मैं दिल्ली से मुंबई में कम्युनिकेशन करना चाह रहा हूं, तो मेरी साइट है xyz.com कंपनी की साइट है, ठीक है, मेरी साइट है, तो मैं इस साइट से इस साइट को कम्युनिकेशन करना चाह रहा हूं, कम्युनिकेट कराना चाह रहा हूँ सिक्योर फॉर्म में। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे एक पब्लिक नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं हम लोग, किसके थ्रू कर रहे हैं, पब्लिक नेटवर्क के थ्रू हम लोग यहाँ पे कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो मैं यहाँ से दिल्ली से मुंबई कम्युनिकेट करूंगा, एक साइट मेरी ये है और एक साइट यहाँ पे है मेरी,
और मैं पब्लिक नेटवर्क के थ्रू होके जाऊंगा ट्रैफिक को, लेकिन इन्फॉर्मेशन को मेरी पब्लिक ट्रैफिक पब्लिक नेटवर्क के थ्रू होते हुए जा रही है। यहाँ पे एक यूजर बैठा हुआ है, वो यूजर यहाँ पे बैठे हुए रखे हुए एक राउटर है हमारा, सपोज दैट वो यूजर, ये यूजर इस राउटर को टेलनेट कर रहा है, एसएसएच कर रहा है, टेलनेट कर रहा है, सपोज इस नेटवर्क को टेलनेट किया, रिमोट एक्सेस कर रहा है, या एसएसएच कर रहा है, रिमोट एक्सेस कर रहा है, ये यूजर यहाँ से इसको रिमोट एक्सेस करेगा तो पब्लिक नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेट करेगा और इसको एक्सेस कर देगा। प्रॉब्लम क्या आएगी, यहाँ पे मिडलवेयर कोई जो भी अटैक करते हैं, मिडलवेयर अटैकर बैठा होगा, तो वो हमारी इंफॉर्मेशन को, अगर टेलनेट के थ्रू मैं जा रहा हूँ कम्युनिकेट कर रहा हूँ टेलनेट के थ्रू, तो टेलनेट क्या होता है, अनसिक्योर होता है। टेलनेट में जो भी इंफॉर्मेशन चलती है वो टैक्स फॉर्म में चलती है, एसएसएच हमारा सिक्योर फॉर्म में काम करता है, टेलनेट हमारा अनसिक्योर फॉर्म में काम करता है। तो ये कम्युनिकेशन जब होगा तो इसकी इंफॉर्मेशन को ये वायर सार्क के थ्रू, वायर सार्क जो हमारा टूल होता है पैकेट कैप्चरिंग के लिए, तो वायर सार्क के थ्रू ये पूरी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है पब्लिक नेटवर्क से हमारी इंफॉर्मेशन को। तो इसके लिए हमने क्या करना होता है, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो यहाँ पे मैंने क्या करना होता है, एक टनल बना ली होती, हमने यहाँ पे एक टनल बना दी और इस टनल को हमने बोल दिया बीपीएन टनल, इसको क्या नाम दे दिया जाता है, बीपीएन टनल नाम दे देते हैं। और वो हमारा इस तरह का जो कम्युनिकेशन होगा दो साइट के बीच में, तो इसको हम बोल देते हैं साइट टू साइट, साइट टू साइट बीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट इस तरह से। तो ये टनल के थ्रू हमारा कम्युनिकेशन होगा, और टनल के थ्रू जब हमारा कम्युनिकेशन होगा तो सिक्योर फॉर्म में कम्युनिकेशन होगा, और इसमें हमारा कोई भी जो मिडिलवेयर अटैकर्स होगा वो हमारी इंफॉर्मेशन को कैप्चर नहीं कर सकता। अगर वो इंफॉर्मेशन कैप्चर करेगा तो इनक्रिप्टेड फॉर्म में इंफॉर्मेशन आएगी और उसको हैशिंग फॉर्म में इंफॉर्मेशन आएगी, उसको बहुत टाइम लग जाएगा उस इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, तब तक हम कम्युनिकेशन चेंज कर चुके होंगे, बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी होगी। तो ये हम लोग एक सिक्योर कनेक्शन करने के लिए, एक सिक्योर फॉर्म में कम्युनिकेट करने के लिए टनल बना लेते हैं, इसको बीपीएन टनल बोलते हैं, साइड टू साइड बीपीएन हमने कनेक्शन बना रखा होता है। सपोज दैट दिल्ली के अंदर की एक यूजर है जो हमारा वर्क फ्रॉम होम बैठा हुआ है, एक ऑफिस का जो हमारा इंजीनियर है वो इंजीनियर वर्क फ्रॉम होम काम करता है, वर्क फ्रॉम होम पे वो एक इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू अपने घर पे इंटरनेट कनेक्शन ले रखा है, इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू कनेक्ट होता है, वो इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू जब हमारा कनेक्ट होगा तो यहाँ पे कनेक्शन करेगा, तो वो भी हमारा एक सिक्योर अनसिक्योर फॉर्म में कम्युनिकेट कर रहा है, अनसिक्योर फॉर्म में कनेक्ट कर रहा है। उसने सपोज दैट यहाँ से बैठ के दिल्ली के अंदर लगे किसी एक सर्वर को कनेक्शन एक्सेस किया, सर्वर को एक्सेस किया, यहाँ पे एसएसएच किया सर्वर को, ये जब सर्वर को यहाँ से बैठ के एसएसएच करेगा तो एक अनसिक्योर फॉर्म में सर्वर एक्सेस करेगा, तो यहाँ पे कोई भी हमारे जो मिडल अटैकर होंगे, जो हैकर होंगे, वो हमारे इंफॉर्मेशन, हमारी कंपनी का जो डेटा है उसको चुरा सकते हैं, उसको लीक कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे यूज किया जाता है यहाँ पे रिमोट एक्सेस, रिमोट एक्सेस बीपीएन यूज करते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क रिमोट एक्सेस बीपीएन यूज करेंगे। तो उसको रिमोट एक्सेस बीपीएन के लिए हम क्या करेंगे, जो ये मेरा इंजीनियर है, इस इंजीनियर को हम क्या करते हैं, एक बीपीएन क्लाइंट दे देते हैं। यहाँ पे हमने एक बीपीएन क्लाइंट इसको दे दिया, इसके जो राउट लैपटॉप होगा, लैपटॉप में हमने एक बीपीएन क्लाइंट डाल दिया, और बीपीएन क्लाइंट यहाँ पे डालने के बाद में दिल्ली के अंदर जो हमारा एक बीपीएन सर्वर लगा होगा वो बीपीएन सर्वर के थ्रू कनेक्ट होगा। पहले इसको बीपीएन क्लाइंट के थ्रू इस बीपीएन सर्वर से ऑथेंटिकेशन कराना होगा, बीपीएन सर्वर के थ्रू कनेक्ट होना होगा, ऑथेंटिकेट कराएगा, इसको मैंने यूजर नेम पासवर्ड दे रखा होगा, यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट होगा, बीपीएन सर्वर से कनेक्ट होने के बाद ही ये एसएसएच कर पाएगा दिल्ली के अंदर लगे हुए किसी भी सर्वर को। तो ये है हमारा बीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो इस तरह से हम इस नेटवर्क को यूज करते हैं। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कोई फिजिकल नेटवर्क नहीं कह सकते कि एक फिजिकल नेटवर्क है, जो हमारे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क था, जो हमारे वाइड एरिया नेटवर्क है, जो हम लोग कैंपस एरिया नेटवर्क यूज करते हैं, उन सभी नेटवर्क के ऊपर हम लोग सिक्योर कम्युनिकेट कराने के लिए, सिक्योर कनेक्शन कराने के लिए बीपीएन यूज करते हैं, वर्चुअल प्राइवेट एरिया नेटवर्क यूज करते हैं, इसको वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, इसी के बाद हमारा आता है फिर आगे WLAN। WLAN क्या होता है, WLAN बोलते हैं वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। जो कम्युनिकेशन मैं अभी आपको वायर के थ्रू बता रहा था वही कम्युनिकेशन हमारा वायरलेस के थ्रू होगा, WLAN वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर मेरे पास, मेरी कंपनी के अंदर कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है जो वायर के थ्रू होता है, कोई भी सिस्टम नहीं है जिसपे हमारा वायर के थ्रू कनेक्शन बनाते हैं। हम लोग किस तरह यूज करते हैं, कंपनी में टोटली सभी यूजर जो है
जितने भी इंजीनियर्स हैं या यूजर्स बैठे हुए हैं सबके सब लैपटॉप यूज करते हैं और वायरलेस के थ्रू कनेक्ट होते हैं। तो वायरलेस के लिए थ्रू कनेक्ट करने के लिए हमें वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, जैसे सपोज दैट इंटरनेट हमारा कनेक्शन है, यहां से इंटरनेट आ रहा है और इंटरनेट से हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे हमने एक राउटर लगा रखा है, राउटर लगा रखा है, इसको मैं वायरलेस कंट्रोलर बोल देता हूं, वायरलेस, ये वायरलेस राउटर है, वायरलेस कंट्रोलर, वायरलेस कंट्रोलर हमने इसको नाम दिया। और वायरलेस कंट्रोलर से हमने यहां पर एक स्विच कनेक्ट कर रखा है, इथरनेट स्विच, और इथरनेट स्विच से हमने क्या कनेक्ट कनेक्ट करे किए हुए हैं, जो मैंने पहले भी आपको दिखाया था, यहां पे हमारे इस तरह से वायरलेस एक्सेस पॉइंट लगे हुए हैं, वायरलेस एक्सेस पॉइंट इस तरह से हमने लगा रखा है। और इस वायरलेस एक्सेस पॉइंट से हमारे जो भी हमारे लैपटॉप हैं, जो भी वायरलेस डिवाइसेस हैं, जैसे हमारे आईपी फोन हो गए, सॉरी आईफोन हो गए या फोन हो गए या हमारे लैपटॉप हो गए, वो हम वायरलेस एक्सेस पॉइंट के थ्रू कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक वायरलेस कंट्रोल लगा रखा है, इस कंट्रोल से स्विच कनेक्ट किया, स्विच से हमने इस तरह का नेटवर्क बना दिया। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, अगर सपोज दैट हमारे पास सर्वर नहीं है, हमने डीएससीपी सर्वर हमारे पास नहीं है या हमने कोई सर्वर नहीं लगा रखा, तो मैं इस राउटर पे ही क्या करता हूँ, राउटर पे हम लोग डीएससीपी सर्वर कॉन्फिगर कर देते हैं, राउटर वर्क करेगा एज ए डीएससीपी सर्वर, यानी कि डीएससीपी सर्विस यहां से मिलेगी। जो भी डिवाइस कनेक्ट होगी, मोबाइल हमने कनेक्ट किया वायरलेस के थ्रू इस वायरलेस एक्सेस पॉइंट से, तो इस डीएससीपी सर्वर से, यानी कि इस राउटर से, इस वायरलेस कंट्रोलर से, डीएससीपी के थ्रू यहां से इसको एक आईपी मिल जाएगा, जिसको हम डायनेमिक आईपी बोलते हैं, स्टैटिक आईपी, यानी कि मैं यहां पे इसको आईपी भी असाइन कर सकता हूं स्टैटिक, लेकिन मैं वायरलेस नेटवर्क पे जब भी काम करता हूं तो हम लोग डीएससीपी की सर्विस ही काम करते हैं, यानी कि डायनेमिक आईपी पे काम करते हैं, ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस प्रोवाइड कराने के लिए हम सर्विस यूज करते हैं डीएससीपी की। तो हमने यहां पे इस वायरलेस कंट्रोलर पे डीएससीपी सर्वर कॉन्फिगर किया हुआ है। जो भी डिवाइस हमारी वायरलेस एक्सेस पॉइंट हमारे कनेक्ट हो गए, जो भी वायरलेस एक्सेस पॉइंट से डिवाइस कनेक्ट होंगी, वो सारे के सारे आईपी उठाएंगे, कहां से, यहां से आईपी लेंगे डीएससीपी सर्वर के थ्रू, यहां से इसको आईपी मिलता है। तो इनको आईपी मिला, आईपी मिलने के बाद इंटरनेट यूज करना शुरू। यहाँ पे मैंने नेटिंग कर रखी होती है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन कॉन्फिगर किया हुआ होता है। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन क्यों कॉन्फिगर कर रखा है, क्योंकि इधर हमारा लैन नेटवर्क है, उधर मैन नेटवर्क है, आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए मैंने यहाँ पे नेट कर कॉन्फिगर किया हुआ होता है, हमारा इंटरनेट चलता रहता है। आप नेट नहीं कॉन्फिगर करना चाह रहे, आप राउटिंग कर सकते हैं, यहाँ पे राउटिंग करनी पड़ेगी आपको, स्टैटिक राउटिंग करनी पड़ेगी, आपने क्या क्या डिफॉल्ट राउटिंग डाल दी या कोई राउटिंग प्रोटोकॉल यूज कर लिया, तो बहुत सारे ऑप्शन है। जिस तरह का नेटवर्क हमारा वायरलेस नेटवर्क वायर नेटवर्क होता है, जो वायर का नेटवर्क होगा, उसी तरह से हमारा वायरलेस नेटवर्क भी होगा। बस वायरलेस नेटवर्क के अंदर का हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन का चेंज हो जाता है, वो चैनल के ऊपर हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास चैनल कॉन्फ़िगर कर दिए जाते हैं और वायरलेस एक्सेस पॉइंट के साथ हम कनेक्ट कर लेते हैं। सपोज मैंने एक ही फ्लोर पे, बिल्डिंग का एक फ्लोर है, उसी फ्लोर पे हमने 10 वायरलेस एक्सेस पॉइंट लगा रखे हैं, तो 10 वायरलेस एक्सेस पॉइंट को मैं एक साथ एक चैनल के साथ कनेक्ट करा कॉन्फ़िगर करा सकता हूं, और एक ही चैनल से हमारे पूरी बिल्डिंग के अंदर सभी लोग कनेक्ट करके नेट इंटरनेट यूज कर रहे होंगे, कम्युनिकेट कर रहे होंगे। तो ये हमारा WLAN होता है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो यही इसी के साथ मैं आज मैंने आपको लोकल एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में बताया है, समझाया है। आगे वाले सेशन में, जो आने वाला सेशन है, आने वाले सेशन में मैं आपको समझाऊंगा OSI रेफरेंस मॉडल और TCP/IP मॉडल क्या होती है। हम OSI रेफरेंस मॉडल पे और TCP/IP मॉडल पे बात करेंगे। तो आज के सेशन में हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, देखते रहिए सर्वर ज्ञान चैनल, नेटवर्क CCNA राउटिंग स्विचिंग का पार्ट, और कमेंट्स लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।